रक्षाबंधन आपने देखी तो किस तरह से रिव्यू देना चाहेंगी? बहुत अच्छी फिल्म है, एक बार देखने लायक तो ही है, एक बार ही नहीं दो बार भी देख सकते हैं। इतनी अच्छी, अक्षय कुमार एक बार वापस कमबैक हो गया, बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने और मतलब मज़ा आ गया। इमोशनल सीन अक्षय कुमार ने इतने अच्छे किए कि सब लड़कियां रो रही थी और मतलब सबके दिल को छू गई फिल्म। जो टॉपिक लिया है ना, वो हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है, तो लोग जो इतना सब बोलते हैं हर चीज़ के लिए, उनको दहेज के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो जो दहेज लेगा ना, उसके हम जुलूस निकालेंगे। लेकिन क्या है ना, ये तो जड़ तक घुसा हुआ है, तो ये चीज़ को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर घर वाले ही समझ लें कि दहेज देंगे तो ज़्यादा दुख मिलेगा, तो वो चीज़ ख़त्म हो सकती है। इस पिक्चर का टॉपिक ही है, लेकिन इसमें उन्होंने एंटरटेनमेंट को जो मिक्स करके मजाक मस्ती जो बहने दिखाई हैं, सब एकदम टाइम पास बहने हैं, तो मतलब जो वो सब टच लिया ना, तो पिक्चर को ऐसे बोलते ना बोरिंग नहीं होने दिया। पूरी फिल्म एंटरटेनिंग है, पूरा पिक्चर में मज़ा आया, एक एक सीन इंपॉर्टेंट है, इंटरवल के बाद पिक्चर और इंटरेस्टिंग है, और हर एक आदमी कैसे रिश्ते से जुड़ा हुआ है, वो फिल्म का मेन मकसद है। तो ओवरऑल मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी, तो मैं ये फिल्म को तो मतलब मैं 5 में से 4 देना चाहूँगी, और ज़रूर बोलूँगी लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्म से लोगों को शिक्षा मिलती है। अक्षय कुमार की ज़्यादातर फिल्में ऐसी होती है जिसमें वो शिक्षा देते हैं, ये फिल्म एक ऐसी और एक अच्छी फिल्म आई है जिससे उनको लोगों को जो एक सबक मिलेगा। और ख़ासतौर पर मुझे लगता है यूपी में तो ये पिक्चर बहुत चलेगी, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा दहेज को लेकर करप्शन है। तो ये जो पिक्चर है, मैं बोलती हूँ ऑडियंस को जरूर देखना चाहिए, अक्षय कुमार की बेस्ट फिल्म में से एक। अक्षय और भूमि के बारे में, एक्टरों के बारे में क्या कहेंगे आप? भूमि पेडनेकर ने अपना काम अच्छा किया है, उसके हिसाब से तो एकदम ओरिजिनल हीरोइन लगी है, पहने तो बहुत अच्छी लगी, गाने भी बहुत अच्छे, म्यूजिक अच्छा है, मतलब फुल एंटरटेनिंग फिल्म है। और जो दिल्ली का चांदनी चौक दिखाया है वो तो एकदम ही मज़ेदार है, तो मज़ा आ गया, पूरी फिल्म देख के बहुत मज़ा आया। तो ऑडियंस देखेगी इस फिल्म को? 100% ऑडियंस को पसंद आएगी। थैंक यू। रक्षाबंधन देखिए, आपने क्या कुछ बताना चाहेंगे? रक्षाबंधन देखी मैंने, मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं मेरे भाई बहन के साथ ये फिल्म देखने आई थी, इसलिए शायद मैं काफ़ी कनेक्ट कर पाई इस फिल्म के साथ। और ये फिल्म जो स्टोरी लोगों तक पहुँचाना चाहती है, हो कि ये मैसेज जो फिल्म क्रिएट करना चाहती है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल है और ऑडियंस इसे पसंद करें। एक्टिंग और गाने और बैकग्राउंड परफॉर्मेंसेस वाइज आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द सिस्टर्स। आई थिंक उन चारों सिस्टर्स ने काफ़ी जस्टिस किया है अपने कैरेक्टर। ओके, और अदरवाइज अक्षय और भूमि? अक्षय भूमि आर ऑलवेज गुड, बट हमेशा अक्षय जैसे स्माइल लाता है चेहरे पे, इस बार काफ़ी रुलाएगा। ओके, तो ओवरऑल कैसा रहेगा फिल्म को, ऑडियंस का रिएक्शन? आई थिंक फेस्टिवल है इसलिए फिल्म काफ़ी अच्छा करेगी बॉक्स ऑफिस पर, एंड ओवरऑल मैं इस फिल्म को 3 स्टार देना पसंद करूँगी। थैंक यू। संदीप, आपने रक्षाबंधन देखी तो किस तरह का रिव्यू देना चाहेंगे? एक बहुत ही अच्छी सामाजिक प्रधान विषय पर फिल्म बनी है, और खास करके रक्षाबंधन के अवसर पर रिलीज़ हुई है, इसलिए और भी उसका सम्मान करना चाहिए। एक ज्वलंत विषय पर फिल्म भाष्य करती है कि आज के ज़माने में भी दहेज की प्रथा सब जगह ज्वलंत है, और स्त्री प्रधान सब्जेक्ट है, और स्त्रियों के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उस पर भाष्य करती है, तो एक अच्छा पारिवारिक फिल्म है। कलाकार और बाकी गाने के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? कलाकारों में भूमि पेडनेकर और अक्षय कुमार का काम अच्छा है, नीरज सूद और शर्मा भार्गव का भी काम अच्छा है, और बाकी जो वो 4 नई लड़कियां हैं बहनें, उनका भी काम अच्छा है, लेकिन वो उनका जो बॉडी शेमिंग बताया वो थोड़ा सा कम होता तो अच्छा लगता था, क्योंकि इतना स्टार्क रियलिटी नहीं बताना चाहिए। ओके, कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं 4 दूंगा। 4 स्टार देना चाहेंगे? और गाने वगैरह के बारे में क्या? गाने ठीक ही हैं, म्यूज़िक अच्छा है, पिकअप करेगा, अगर मंडे तक फिल्म चलेगी तो और पिकअप करेगी। थैंक यू। अभी आपने रक्षाबंधन देखी, क्या रिव्यू देना चाहेंगे? देखिए, कहते हैं कि त्यौहार के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, और इसलिए हम एक ऑनेस्ट रिव्यू ही देंगे। बस ये कहूँगा, अगर आपने फिल्म का ट्रेलर देखा हो, जैसा नाम है रक्षाबंधन, तो जाहिर है एक कहानी भाई या एक भाई और उसकी 4 बहनों की है, और जो फिल्म का जो मेन मुद्दा है वो दहेज के खिलाफ एक आवाज़ उठाने की कोशिश की है,
और अगर खासकर जो 80s और 90s के ऑडियंस, खासकर ऐसे सब्जेक्ट हम देखते हैं कि ये टीवी पर ऐसे सब्जेक्ट दिखाए जाते हैं और उनका एक अलग ट्रीटमेंट होता है, एक स्टाइल होता है टीवी का, जो कि शायद टीवी के ऑडियंस को खूब भाती है, लेकिन शायद बड़े पर्दे पर तो आज के टाइम में 2022 में ऐसी स्टोरीज को लाना इट्स अ ब्रेक मूव। ये कहूँगा कि जो फिल्म का पहला हाफ है तो वो थोड़ा प्रॉमिसिंग लगता है और बेसिकली जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा, स्टोरी बड़ी सिंपल है कि एक बड़ा भाई है और उसकी बहनों की शादी नहीं होनी है और जब तक वो दहेज इकट्ठा नहीं करेगा सभी बहनों के शादी के लिए तो तब तक उसकी खुद की भी शादी नहीं होगी। हाँ तो स्टोरी मेरे ख्याल से थोड़ी ओवर द टॉप है, पहला हाफ हमें ठीक लगा लेकिन दुर्भाग्य से सेकेंड हाफ ऐसा लगा कि जैसे डायरेक्टर और राइटर आई थिंक देवर टोटली एबसेंट और जहाँ पर पूरी फिल्म मुझे लगा बिखर जाती है और खासकर फिल्म की जो लास्ट 15-20 मिनट्स है तो वहाँ तो ऐसा लगा है कि बस यू नो चट मंगनी पट ब्याह तो वैसा एक ट्रीटमेंट की गई है स्क्रीन प्ले के साथ। तो ओवरऑल अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड क्योंकि ट्रेलर तो मुझे थोड़ा प्रॉमिसिंग लगा था। इवन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आई थिंक अक्षय कुमार हमें थोड़े इमोशनल सीन में हमेशा वो कच्चे पड़ जाते हैं और यहाँ पे भी वही देखने को मिलता है। फिल्म की बाकी कास्ट में भी भूमि पेडनेकर उनका भी तो ऐसा कुछ खास काम नहीं है, जो उनकी बहनों का किरदार निभा रही यहाँ एक जो लड़की है दीपिका खन्ना शायद उसका काम मुझे ठीक ठाक लगा और जो अक्षय कुमार के दोस्त का काम कर रहे हैं जो कि हाल ही में गुड लक जेरी में भी थी उनका काम अच्छा है बट अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा कि डिस्पाइट द प्रॉमिस ये फिल्म उम्मीदों में एक्चुअली मेरी उम्मीदों में तो ये खड़ी नहीं होती। आई थिंक अगर इसको 5 में से मुझे स्टार देने पड़े तो दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा आई हैव टू ओनली गिव 1.5 स्टार। थैंक यू। इस रक्षाबंधन के दिन दो फिल्में प्रदर्शित हुई थी, राजसिंह चन्ना और रक्षाबंधन। रक्षाबंधन इस फिल्म के रिव्यू के बारे में अगर बात करेंगे तो बिल्कुल सामाजिक कहानी, एक भाई अपनी चार बहनों की रक्षा कैसे करता है। रक्षाबंधन का मतलब यही होता है कि भाई बहनों की रक्षा करे, इतना ही नहीं लेकिन ये बहनें जो है भाई का भार हल्का कैसे करते हैं करती है ये इस फिल्म में देखा जाएगा। फिल्म की कहानी बिल्कुल सिंपल है, चार बहनों की शादी करनी है भाई को, उसके बाद ही भाई गोली चढ़ सकता है, लेकिन चार बहनों की शादी नहीं होगी इस बीच की कहानी है। और फिल्म में एक सामाजिक संदेश यह है कि दहेज लेना और देना कानूनी अपराध है, तो कोई मानता नहीं, लेकिन दहेज लेने से जो परिवार पे दहेज की गाज पड़ती है तो किस तरह गुजरता है ये इस फिल्म की कहानी है। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर ने उन्होंने पहले भी फिल्म की है तो उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी रही है, हालांकि भूमि अपनी भूमिका में जज जाती है पर अक्षय थोड़े लाउड लग रहे हैं, जितना उनको एग्रेसिव होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इमोशनल इसमें भी थोड़ा चल जाते हैं, लेकिन उनकी जो पहले बनी है नई अभिनेत्री है लेकिन बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई उन्होंने। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि छुट्टियाँ हैं 3 दिन की लगातार, अगर कोई फैमिली वाले अपनी बहनों को लेके परिवार को लेकर अगर टाइम स्पेंड करना चाहे तो रक्षाबंधन उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। और हालांकि अक्षय की 4 फिल्में इसके पहले फ्लॉप हो चुकी, 5वीं फिल्म शायद उनको बहुत ही अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देगी और बहुत ही अच्छा उसको एक ऑडियंस है उसको अच्छी तरह से रिसीव करेंगे। फुल फैमिली एंटरटेनमेंट है रक्षाबंधन। 5 पैसे में 3 स्टार फिल्म को देना चाहूँगी।